नमस्ते बच्चों, आज हम गैफी जिराफ और उसकी माँ फैनी को फूलों के साथ गणित का एक दिलचस्प खेल खेलते देखेंगे। गैफी और उसकी माँ फैनी फूलों से भरे एक खूबसूरत बगीचे में बैठे हैं। फैनी ने जमीन की ओर इशारा किया और गैफी से कहा, देखो यहाँ कितने फूल गिरे हैं, चलो उन्हें चुनकर एक गुलदस्ता बनाते हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। गैफी और फैनी ने कुछ फूल इकट्ठा किए। फैनी ने कहा, मैंने 12 फूल चुने हैं। और मैंने 8 फूल चुने हैं। हमारे पास कुल कितने फूल हैं? फैनी ने कहा, चलो इन्हें जोड़कर पता लगाते हैं। देखो गैफी, मैंने 12 फूल इकट्ठा किए हैं और तुमने 8। चलो इन्हें जोड़कर कुल फूलों की संख्या का पता लगाएं। तो पहले मैं इकाई के स्थान पर लिखी संख्याओं को जोड़ूंगी। 2 इकाई और 8 इकाई को जोड़कर बनता है 10। पर मैं 10 को इकाई के स्थान कैसे लिखूं माँ? गैफी, इसके लिए हम इकाई के भाग के नीचे 0 लिखेंगे और 1 को दहाई भाग में जोड़ने के लिए इसे इस तरह हासिल के रूप में लिखेंगे। अब हम दहाई भाग में लिखी संख्याओं को जोड़ेंगे। 1 और ये हासिल का 1 जोड़ हो गए 2। इसे यहाँ दहाई के स्थान पर इस तरह लिख लेते हैं। 12 में 8 जोड़ हो गए 20। देखो माँ, हमारे पास कुल 20 फूल है। अरे वाह गैफी, क्यों ना हम फूलों की एक माला भी बनाएं? चलो हम इसके लिए कुछ और फूल चुन लेते हैं। गैफी और फैनी एक बार फिर फूल चुनते हैं। इस बार फैनी ने 15 चुने और गैफी ने 5 फूल चुने। तो अब उनके पास माला बनाने के लिए कुल कितने फूल हैं? पहले हम इकाई के स्थान में लिखी संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 में 5 जोड़ हो गए 10। और बच्चों आपको याद है ना, हम इस 10 को इकाई के भाग में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, पहले हम 0 को इस तरह इकाई के भाग में इस तरह लिखेंगे और 1 जो 10 का दहाई वाला भाग है उसे हासिल के रूप में इस तरह यहाँ दहाई के भाग में लिख लेंगे। अब दहाई के भाग में लिखी संख्याओं को जोड़ें। 1 और ये हासिल का जोड़ हो गए 2। इसे यहाँ दहाई के स्थान में इस तरह लिख लेते हैं। इस तरह 15 में 5 जोड़ हो गए 20। बच्चों, फैनी और गैफी ने आपके लिए कई प्रश्न हल किए हैं और अब आपकी बारी है उनके लिए एक जोड़ के प्रश्न को हल करने की। गैफी के पास 11 पीले फूल और 9 लाल फूल हैं। उसके पास कुल कितने फूल हैं? उत्तर खोजें और अपने परिवार और दोस्तों को पूछें कि आपका उत्तर सही है या नहीं। बच्चों, इस वीडियो में हमने हासिल का उपयोग कर 20 तक की संख्याओं का जोड़ करना सीखा।